रफीज भाई दूसरी बार तो मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ। मैं गया हमें हमारे बोर्डिंग पास भाई साहब। अच्छा भाई एक चीज बता दो, अभी इमिग्रेशन से निकले हैं दोनों, पौना घंटा खराब हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि होटल बुकिंग कंफर्म नहीं थी। हमने कहा यार चल बैंकॉक के लिए आ रहे हैं। भाई निकल गए अपनी जर्नी के लिए, हमेशा ऑटो में जाते हैं, आज गाड़ी है। क्या ये तो क्या होता है सुहेल भाई के बहुत अरमान थे, खतरनाक निकल के छोड़ दी बाय कर रही है सब भाई ने पानी फेर दिया सब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी सुहेल, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो भाई हमारी ये फोर्थ डेस्टिनेशन है, स्टार्ट हुई है फोर्थ ट्रिप। कहाँ जा रहे हैं दिलीप भाई, कहाँ लेके जा रहा हूँ? हम जा रहे हैं भाई थाईलैंड, किसी को बताना मत। तो भाई जा रहे हैं थाईलैंड और यहाँ पे बहुत शोर है, आपसे ना अंदर आराम से बैठ के बात करेंगे एयरपोर्ट पे। अभी जस्ट एयरपोर्ट हमने एंटर किया है, अंदर बैठ के बात करेंगे ना शांति होगी। यहाँ पे देख रहे हो बिजनौरी आ गए हैं कुछ शोर मच रहा है भाई। अब चेक कर रहे हैं फ्लाइट हमारी है SG 087 मोरी बैंकॉक। चेक इन स्टार्ट हो गया ना, दिमाग चल रहा है हमें हमारे बोर्डिंग पास भाई साहब। अच्छा चलो देखते हैं भाई क्या होता है इमिग्रेशन पे। भाई एक चीज़ बता दो, अभी इमिग्रेशन से निकले हैं दोनों, पौना घंटा खराब हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि होटल बुकिंग कंफर्म नहीं थी। हमने कहा यार चल बैंकॉक के लिए आ रहे हैं, मतलब बस में क्या होता है मेनली हम ना कहीं की बुकिंग कंफर्म नहीं करते। हमारे क्या होता है सहारे के लिए बुकिंग कंफर्म करते हैं, बाकी वहीं जाके ना बार्गेनिंग करके सस्ते सस्ता होटल या हॉस्टल जो भी होता है। ये था हमारा, हम थोड़ा भी लेट गो कर रहे थे यार बैंकॉक है क्या ही क्योंकि यूट्यूबर ही बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ ये नहीं। भाई किसी की मत सुनो, बुकिंग रिटर्न टिकट कंफर्म, बुकिंग होटल बुकिंग कंफर्म, जितने दिन रहोगे उतने दिन की बुकिंग कंफर्म करके ही आना। चाहे पूरी हाँ आइटनरी पूछ लेते हैं क्योंकि भाई वहाँ पे खड़े होकर नदीम करने की ट्राई कर रहा था, पेमेंट हुई नहीं, वो तो कोई दूसरा ऑफिसर आके बैठ गया, उसने आने दे दिया, वरना वो तो सोच के बैठा था भाई जाने नहीं दूंगा। तो कंफर्म नहीं करवाएगा। हाँ वो तो कोई दूसरा ऑफिसर आ गया, वो सही था, उसने कहा कि आगे से ध्यान रखना और प्रिंट निकलवा के लाना, फ़ोन में कुछ मत लाना, मोदी जी कहते हैं पेपरलेस मत सुनो ठीक है, प्रिंट निकलवा के लाना उसका। हाँ प्रिंट निकलवा के लाया करो। तो भाई आगे ध्यान रखना, अपना आइटनरी पूरी सेट करके चलना चाहे किसी भी कंट्री में जाओ। आइटनरी मैंने उसको पूरी बता दी कि भाई हम पहले बताया जा रहा है, उसके बाद यहाँ जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे, सही बता दी ना, समझा दी प्रॉपर, फिर भी मानना भाई वो नहीं मान रहा, वो कह रहा भाई कल बुकिंग कंफर्म करेगा तब। पौना घंटा खराब हुआ अभी तक, हम लॉन्च में खा पी के सेट हुए, कोई नहीं कह रहा ज़्यादा लॉन्च की तरफ आपको ध्यान से खा लिया मस्त एकदम। रफीज़ भाई दूसरी बार तो मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ, मैं दूसरी बार कसम से बता रहा हूँ, एंड टाइम पे फंस जाते हैं तो कुछ ही बोल सकते हैं मैं रफीज़ भाई कसम से बता रहा हूँ ना, तुम्हें तो मैं ऐसी ऐसी जगह दुआ नहीं कर ली, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। किसका कार्ड है? सीएन भेजा हमारे भाई, पता किसका कार्ड है। चल भाई नदीम भाई काम पर लग जाओ, खा रहे हैं बल बैठेंगे ना ड्राइवर के, स्पेस फुल है भाई आज लॉन्च में, और लास्ट टाइम सुहेल भाई इतने खुशी से यहाँ घूम नहीं पाए थे इस बार खुशी से घूमूंगा, इस बार खुद भी जाएंगे, मुझे लाला के लाना पड़ रहा था लास्ट टाइम। चलो भाई पहले स्पेस देखते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, फिर बात करते हैं। नदीम भाई क्या खिला रहे हो? सब कुछ खाओ, फ्री चलो इसको चावल डालो, राइस डाल दो, खुशी देखो चेहरे पे, नाराज वाला कुछ नहीं डाल ले पालक पनीर, खुशी आ जाओ। भाई लेकिन सही है यार, नफीस आएगा बहुत फायदा उठाते हैं भाई, फूल आएगा भाई है। हाँ मतलब भाई होने का फ़ायदा उठाते ना। तो भाई अब हम अपना ये खाना निपटा के
इत्मीनान से बात करते हैं। भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने कहा मेरे सीए ने भेजा, मुझे नहीं पता किसका। भाई ये वाले भाई है जिनका हम फायदा उठाते हैं, मलेशिया में भी उठाया था और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे भी उठा रहे हैं भाई। किसी भाई के पास अगर लॉन्च एक्सेस ना हो, इनका इंस्टाग्राम हैंड, किसी भाई के पास अगर लॉन्च एक्सेस ना हो ना, इनका डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा इंस्टाग्राम का लिंक, भाई को मैसेज कर देना, भाई तुम्हें पास भेज देंगे और एंट्री कर लेना लॉन्च में। चकल देख लो भाई की। मंजिल पर शोर बहुत हो रहा है। थैंक यू। तो भाई जैसा आप देख रहे हो हमारी सीट, ये हमारी सीट नहीं है एक्चुअली, हमारी सीट बीच में है, फ्लाइट है खाली, तो हमने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, जैसा कि हम लोग कर लेते हैं तो अगर हटाएंगे तो भाई प्यार से हट जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिलहाल तो हमारी है वीक के लिए। और अगर हम करेंगे जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी तो हम चलेंगे बीच में, उसे खोल के हम सो जाएंगे आराम से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं फ्लाइट खाली हो सकती है, क्योंकि ना थाईलैंड में गर्मी ज़्यादा है, तो ये टूरिज्म का महीना नहीं है, तो क्या पता खाली भी हो सकती है फ्लाइट। तो अभी 9:20 का टेक ऑफ है हमारा और 9:08 हो चुके हैं, तो मुझे और इंजन स्टार्ट हो गया है, तो शायद क्या पता कोई ना आए, तो नहीं आया था लकीली हमारा है मज़े। और भाई रिपीट कर रहा हूँ, सारे प्रिंट निकलवा के लाना वरना नदीम भाई ये हाल हो जाएगा, और मैं सामने खड़ा हूँ देख रहा हूँ, ठीक है मत लेना रिस्क कोई। अगर यूट्यूबर कह रहा है कि भाई ये नहीं पूछा ये नहीं करा, छोड़ दो, जो प्रोसीजर अपनी मर्जी है, जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करो। प्रोसीजर इज़ टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, तो वही लेके चलो। फिलहाल अभी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे बाहर बादलों के, क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये बादल दिख पाएंगे। हाँ रात का टाइम है तो लाइटें तो दिखेंगी दिल्ली की, हाँ तो कोई बात नहीं वही दिखा देंगे। और गर्मी बहुत लग रही है भाई, हम अनलकीली स्पाइस जेट में इस टाइम पर हम विस्तारा में होते हैं, वो थोड़ी सी हाँ तो कोई नहीं यार, अब टेक ऑफ करता है तो बैंकॉक। अच्छा एक चीज़ समझ में नहीं आया, बैंकॉक और थाईलैंड अलग अलग है क्या? अच्छा सिटी का नाम कन्फ्यूजन था, बैंकॉक थाईलैंड, थाईलैंड पूरा कंट्री है, बैंकॉक की सिटी है, ठीक है, जैसे पटाया सिटी है, फुकेट सिटी है, अच्छा थाईलैंड पूरा कंट्री है, तो किसी को पूछा तो बताओ भाई थाईलैंड गया था, मुझे कन्फ्यूजन दवाई चाहिए नहीं पता, तो वी आर अराइव्ड इन थाईलैंड इन बैंकॉक, ठीक है, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, और भाई रात को लग रहे यहाँ के हिसाब से 3:85, 4 बज रहे सुबह एग्जैक्ट, 4:01, बढ़िया मौसम सा लग रहा है यहाँ पर, गर्मी लग रही है, ठीक है, और इंडिया में बज रहे हैं मेरे ख्याल से 2:30, क्योंकि 2:17 मैंने फ्लाइट में देखे थे 2:30 बजे, सुबह 4 बजे हम लैंड कर रहे हैं, बाहर निकले देखते सिम विम का क्या सीन है, कैसे क्या मिलेगा, हाँ यहाँ से हमें पटाया निकलना है, क्योंकि हम यहाँ रुकना नहीं है, हम सिर्फ 1 घंटा हुए फ्लाइट में, अब जो सोएंगे वो बस में सोएंगे, सोने को लेगा भाई ये रहे भाई अपने को लड़ ले मन नहीं मेरा लड़ ले बंदे तो रहे अब पता हो रहे नशे भाई आगे सिम ले के फिर देखते हैं क्या करते हैं ना। ये एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, इंडियन ही बैठे जा रहे यार, ये तो गलत आ गए क्या? तुम्हें पता हम लोग दुबई क्यों नहीं गए अभी तक, क्यों नहीं गए दुबई, सबसे बड़ा रीज़न दुबई से ना जाने का क्या है, इधर इंडिया हर जगह अपने ही लोग हैं, क्या करेंगे जाके, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे इंटरेक्शन नए लोगों से हो, और स्काई ड्राइविंग 50,000 खर्चा है वहाँ पे जाना है, तो जरा अकेले करते हैं यार ये सारे, किसी के साथ करने के लिए अकेले, इटली इटली में अकेले होती है प्रैक्टिस, पैरासूट नहीं बोला ना, सब करवाते हैं वो भाई, दो लाख रुपए लेते हैं वो, सब करवाते हैं पूरी प्रैक्टिस से, पूरा प्रैक्टिस से करवाते हैं, जिंदगी ने मिलेगी दोबारा मिलेगी, मैं दोबारा देखूंगा तभी तो देखूंगा
तो उसमें वो प्रैक्टिस भाई करवा दे, टूर कूद जाएगा तेरी अभी तो एयरपोर्ट में नहीं जी भाई एयरपोर्ट गया था मुझे अबे भाई ऐसा टर्मिनल्स हुआ नहीं कभी, इतना गंदा टर्मिनल्स हुआ यार, रेड लाइट लगी प्लेन के बाहर ही, डर नहीं लगे उनको जापानीज वेंटिंग तो भाई बहुत गंदा टर्मिनल्स हुआ था, टर्मिनल्स हुआ यहाँ पे सारे इंडियंस देख रहे हैं, मुझे तो बोल रहे थे सारे इंडियंस देख रहे हैं यहाँ से, मैं सारे इंडियंस दिख रहे हैं यहाँ से। खैर वो छोड़ो, इटली का जो सीन है भाई वो अलग चीज़ है यार, वो पूरी ट्रेनिंग कराते हैं चीज़ पूछने की, तो पूरे अरे यार ट्रेनिंग लेके बंदा पीछे है यार, चलो कोई नहीं आगे चलते, स्ट्रोक से बेहोश हो गया तू, आओ भी कौन बताएगा तेरे को, ऐसे कैसे बेहोश जाएंगे नारे तक भी भाई। चलो भाई अब आगे जाते हैं, क्या सिंह ना हाँ ए टी एम से कैश निकाले, तो हम कैश लेके नहीं आया, कार्ड है हम तो बते रहे वही निकाले, वीजा ड्राइवर चलो भाई वीजा लेना पड़ेगा नहीं भी अच्छा 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 ठीक ओके 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 प्रोफ्यूम्स बॉयकॉट तो भाई ए टी एम बोलते हैं पैसे निकालेंगे भाई, हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं, पर ये लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, हाँ इंग्लिश आती है, और ये ए टी एम में बज रहा भाई है, अराइव हो चुके हैं भाई, देख लो स्टैंप लग गई, पासवर्ड डाला था भाई, पैसे आ गए मेरे को पता नहीं चला पासवर्ड कब डाला तूने भाई, पैसा दिखाओ कुछ कैसा लगता है यहाँ का करेंसी, दिखाते हैं सुबह के 4 बजे यहाँ की ये टीम स्लिप है, और ये अभी करेंसी है यहाँ कोई हीरो हमारे गांधी जी का हीरो, गांधी वाला नोट है नहीं, नोट की करेंसी है, नोट की तो वही है जैसे सारी जगह ट्रेन में है नहीं, पर ये क्वालिटी थोड़ी सी अलग है, हाँ इसकी डिफरेंट है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, चलो यहाँ की पैसे फ्री पहले पांच शंकर दिया हमने, पहले नौ थी 500 के आसपास लगेंगे हमारे, मोर ने पहले ही खा दिया हमें, एक निकाल रहे भाई बात निकाले अराउंड 11,000 रुपए, 11,000-12,000 रुपए हैं, 11,000 निकाल लिए हमने, और ये सुबह ट्रांसफर कर ली क्योंकि अभी हमें यहाँ से पटाया जाना और सिम बाहर से यहाँ से लेंगे नहीं, और यहाँ से मैंने सुना महंगी मिलती है, हम लेंगे पटाया सिटी में जाकर सुबह सिम, और सबसे बढ़िया बात बताओ क्या रात का काटने का मसला पड़ रहा है सुर भाई, मुझे जो लग रहा है सबसे बढ़िया बात है ये पूरा पासपोर्ट भर देंगे भाई, बहुत इजी था यार ये, देख कहने की बात है, हाँ। ये क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं तुमसे, हाँ। फ्लाइट डिटेल्स भी मांग सकते हैं, रिटर्न टिकट भी मांग सकते हैं, हमने ही पूछा सुबह का टाइम था, हमने बंदे ने खुद ने बुलाया गया इज्जत के साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ है, मतलब अगर यही होता अभी सुनाने लग जाते कि भाई तुमने बुकिंग क्यों नहीं करी है, तो ये मूड के ऊपर बात है भाई, लेकिन तुम अपनी तरफ से सारी चीज़ें सहूलियत के साथ बिल्कुल तैयार करके चलो, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई, बस बहुत ज़रूरी बस मुझसे ये गा मैंने लगा रखा था गले पे, मुझसे कहा बस इसे हटा दो, मैंने हटा दिया, वो फोटो खींचने की वजह से कहा था हटाने के लिए, और कुछ भी नहीं कहा भाई, इवन मेरे को लग रहा है जाने के बोर्डिंग पास है वो भी चेक करने से मतलब नहीं होता, अगर ये ना नंबर नहीं होता तो कुछ नहीं करो, चेक करो पासवर्ड खोल के देखो मेरे, बस अच्छा मैंने एक चीज़ देखी सुनने के लिए, तुमने पासवर्ड खोला ना तुमने पेजेस चेक करें, हाँ ट्रैवल हिस्ट्री करेंगे पता लग जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री आई डी हो जाता बंदे को, वही अगर आप पहली बार आ रहे हो तो जैसे वो बंदे थे वहाँ पे जो नदीम से पहले थे वो पहली बार जा रहे थे इसलिए उन्हें पकड़ा, उनसे इतने सवाल किए, हम जाते रहते हैं तो हमसे इतने कुछ नहीं कर, उन्हें पता है ये तैयार है ये पके हुए चावल है, ये बहुत फर्क पड़ता है, ऐसी तो बनती है यार, ऐसी तो ये जानबूझ के करते हैं लोग आपको मजबूत बनाने के लिए, तो बस चलते हैं आगे देखते हैं बाहर भाई, गेट नंबर 11 पहुँच गए, हमारा लगेज जाएगा, चलो लगे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बस स्टॉप देखते हैं वहाँ पर, उसे लगता है सिम का डाउट लग रहा है कि पटाया पहुँच के इतनी सुबह सिम मिलेगी नहीं मिलेगी, रिपोर्ट भी देखने में तो कम हो जाए, हाँ चलो देखते हैं क्या।